नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की एक बार फिर घर वापसी हो गई है। जी हां, सैम पित्रोदा को एक बार फिर ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने विवादित बयानों के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद खबरें आई थी कि कांग्रेस ने उन्हें पद से हटा दिया है। लेकिन सैम पित्रोदा की वापसी से एक बार फिर कांग्रेस विवादों के घेरे में आ गई है। कहा यह भी जा रहा है कि सैम पित्रोदा को दोबारा अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अपना ही नुकसान किया है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। सैम पित्रोदा एक बार फिर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। सैम की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने आधिकारिक घोषणा में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से भारतीय ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया है। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा वही शख्स हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस को काफी मुश्किलों में डाल दिया था। उनकी तरफ से विरासत टैक्स वाला सियासी बम भी फोड़ा गया था, जिसने चुनाव का नैरेटिव ही बदल कर रख दिया। उसके बाद रंगभेद वाला बयान भी पित्रोदा की तरफ से ही आया, जिसने फिर चुनाव में बीजेपी को हमला करने का बड़ा मौका दिया। पीएम मोदी ने खुद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और सैम पित्रोदा को भारत विरोधी करार दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्हें अस्वीकार्य करार दिया था। वहीं कुछ दिन बाद सैम पित्रोदा ने 8 मई को भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि सैम पित्रोदा अपने बड़बोले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इसलिए दोबारा वो कोई ऐसा विवादित बयान न दे दें जिससे एक बार फिर कांग्रेस को इसका हर्जाना भुगतना पड़े और माफी मांगनी पड़े। हालांकि सैम पित्रोदा को दोबारा अध्यक्ष बनाने के पीछे कांग्रेस की क्या योजना है, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब सैम पित्रोदा को अपने बयानों पर थोड़ा काबू पाने की जरूरत है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।